नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम रविंद्र सिंह भाटी के बारे में, इनका पूरा जीवन परिचय। और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं JNVU की शुरुआत के बारे में, इस पोस्ट वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, रविंद्र सिंह भाटी का जन्म आपको बता दें 3 दिसंबर 1990 को दुधोड़ा में हुआ था, बाड़मेर में। और 30 साल इनकी उम्र है और इनके JNVU किंग के नाम से भी इनको जाना जाता है। प्राथमिक शिक्षा मयूर नोबल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर में हुई। इसके बाद इन्होंने BA LLB मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय JNVU से की। हिंदू धर्म है, विवाहित है अभी भी बता दें आपको। और इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और मायर भाषा बोलते हैं ये। छात्र नेता के रूप में जाने जाते हैं। जातिवाद से कोसों दूर रविंद्र सिंह भाटी आज पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अध्यक्ष है। और इन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और भारी मतों से विजय हासिल कर सभी को चौंका दिया है। सरल स्वभाव के रविंद्र सिंह भाटी विश्वविद्यालय में रुके हुए हैं या अटके हुए कामों को करवाने के लिए जय नारायण विश्वविद्यालय के कुलपति से कई बार आपस में झगड़ते हुए भी नजर आए हैं। सभी समाज के छात्रों को अपने साथ लेकर चलने वाले रविंद्र सिंह भाटी सरल स्वभाव के धनी हैं और मार्गदर्शन में आज विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ा है। वही बताएं आपको, पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के अध्यक्ष होने के बावजूद भी रविंद्र सिंह भाटी अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं। इन्हें अपनी मातृभाषा की भाषा में इतना लगाव है कि जब कभी भी भाषण देने या किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो मंच पर अपनी मातृभाषा में ही भाषण देते हैं। वैसे भी हमारे राजस्थान में मायर भाषा के शब्द इसलिए मीठे होते हैं कि लोग इस भाषा को सुनना पसंद करते हैं। और ये खूबी भी है कि रविंद्र सिंह भाटी जैसा एक महान शख्सियत इस भाषा का अध्यक्ष होने के बावजूद भी इसका उपयोग करता है। ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। रविंद्र सिंह भाटी ने विश्वविद्यालय में कई बार जमीन के मुद्दों को लेकर भी आंदोलन किया है और छात्रों की पढ़ाई के विषय पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। कई बार यूनिवर्सिटी कुलपति को भी शिकायत करते हुए देखा गया है। वहीं रविंद्र भाटी बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं और कभी किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि बाड़मेर जिले से कोई पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जय नारायण विश्वविद्यालय का अध्यक्ष भी बनेगा। 57 साल के लंबे इंतजार के बाद निर्दलीय उम्मीदवार को अध्यक्ष बनाया गया है। दुदोड़ा गांव में इनका जन्म हुआ है, बाड़मेर के 3 दिसंबर 1990 को। प्राथमिक शिक्षा मयूर नोबल्स एकेडमी बाड़मेर में पूरी की है। इनके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से BA LLB की है। इसके बाद उन्होंने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से LLB 2015 में की और 2016 में राजनीति में सक्रिय हो गई। वही अगर इनके अध्यक्ष तक के सफर की बात करें तो अपनी प्राथमिक शिक्षा बाड़मेर जिले के मयूर एकेडमी से पूरी की और उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई मोहनलाल सुखाड़िया से की है। 2016 में छात्र हितों के लिए राजनीति में कदम रखा। इसके बाद से छात्र हितों के लिए आवाज़ उठाने लगे और यहीं से इनके सफर की शुरुआत होती है। 2016 में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे कुणाल सिंह भाटी इनका खास दोस्त है। रह चुके रविंद्र सिंह भाटी इस वजह से छात्रों के बीच एक अच्छी पहचान बना पाए हैं। रविंद्र सिंह भाटी और कुणाल सिंह भाटी साथ साथ प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त करी थी दोनों ने। वहीं रविंद्र सिंह भाटी सभी समाज के छात्रों को साथ में लेकर चलने की नीति रखते हैं और यही सभी छात्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है छात्रों को। और यही किसी भी समाज के छात्रों को छोटा बड़ा नहीं मानते हैं, सभी समाज को एक साथ लेकर चलने की इनकी यही खूबी शानदार है। इसी वजह से छात्रों ने इनको पसंद किया और उनके पक्ष में भी वोट किए हैं। 2019 में जय नारायण व्यास विद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव कराने का समय आया, तब यहाँ पर कई छात्र संघ अध्यक्ष के लिए उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भरे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से रविंद्र सिंह भाटी को उम्मीदवार पद के लिए टिकट नहीं दिया तो इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और बाकी उम्मीदवारों को भारी टक्कर देते हुए 1294 वोटों से जीत हासिल की। रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी जीत का पूरा सम्मान उन छात्रों को दिया जो उनके साथ खड़े थे और इन पर विश्वास जताकर इनको अध्यक्ष बनाया।
वहीं जयनारायण व्यास विद्यालय के इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी निर्दलीय उम्मीदवार ने इतने ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की। कैरियर की शुरुआत की थी यहीं से और अध्यक्ष बनकर राजनीति के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वर्तमान में रविंद्र सिंह बाटी अध्यक्ष है और रविंद्र सिंह बाटी सबसे जयनारायण व्यास विद्यालय के अध्यक्ष बनने से लेकर अब तक लगातार छात्रों के हितों और छात्रों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके हक की लड़ाई में लगातार लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही अन्य वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।